It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. इन सब में तो स्पॉटलाइट आप ले गई। वैसे भी मुझे शक हो रहा था कि कहीं ये सब फेक तो नहीं, क्योंकि आपके कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी जिसमें आप हेल्दी लग रहे थे, अच्छे खासे लग रहे थे। और वैसे भी यार प्लास्टिक तो हजार साल तक चल सकता है ना भाई। भाई देखो यार, जिंदगी में पहली बार यार किसी के मरने के बाद उसके जिंदा होने की खबर पे गुस्सा आ रहा है यार। भूखा के मर जा, टट्टी खा लो नाश्ते में। एक होता है ना, ह्यूमन नेचर होता है भाई कि अबे यार कितना भी बुरा था यार, मरना तो नहीं चाहिए था। वो वाला नेचर था भाई, जिंदा होगी तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है यार। प्रैंक हो गया आपके साथ। ये प्रैंक कौन खेलता है भाई, गलत प्रैंक है ये। I'm proud of what my news has been able to achieve. क्या प्राउड दीदी, आपके कमेंट सेक्शन जाके देखो पहले, गालियां ही अचीव करी है आपने। इनका ये सिलसिला देख करके ना मुझे वो कहानी याद आ गई जो हम बचपन में सुना करते थे कि एक गांव होता है जिसमें एक लड़का होता है जो सब लोगों को बोलता है शेर आया भागो भागो भागो, लोग भाग जाते हैं उसका बात सुन के, उसको मजा आता है, मजा आया, बुद्धू बना आया, बड़ा मजा आया, ठीक है। तो वो सोचता है कि ये प्रैंक मैं कल फिर से करता हूँ, वो फिर करता है, लोग फिर भाग जाते हैं। तीसरी बार क्या होता है, लोग बोलते साला पागल है चिल्लाने दो उसको, पर तीसरी बार शेर सच में आ जाता है। लोग तो अपने घरों के अंदर, ये चिल्लाते हुए भाग रहा है, शेर आया गेट खोलो मुझे बचाओ, गेट खोलो मुझे बचाओ, भाग रहा है शेर, इनके पीछे भाग रहा है और शेर खा के चला गया। जब लोग आए बाहर, लोगों ने देखा, अरे भाई इस बार शेर तो सच में आया था। प्रैंक हो गया आपके साथ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दीदी अगर आप अटेंशन के लिए ऐसी फालतू की हरकतें करते रहोगे, चीप हरकतें करते रहोगे, तो असलियत में आपके साथ कभी कुछ बुरा हो रहा होगा तब भी हम मजाक में लेकर के पूनम पांडे पागल है भाई हड़ाई से इग्नोर कर देंगे। क्योंकि ऐसे इग्नोर करने के लिए आपने हमें मजबूर कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाकी रही सर्विकल कैंसर को लेकर के अवेयरनेस की बात, तो चलो अच्छा ही हुआ लोगों को पता चल गया कि सर्वाइकल और सर्विकल अलग अलग चीजें होती हैं। बाकी तुम सीजन 2 की डिमांड मत करने लग जाना, वरना वो अंडरटेकर है ही, बताया ना मैंने।